वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने आपको बताए थे, और अब जितना हमने पीछे के वीडियो में बताया है, जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, मेयर रिलेशन जो आपको बताया गया है, इसके बाद आपको जैसे पीछे के वीडियो में अभी जस्ट इसके पहले जो हमने वीडियो बताया, लॉ ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉम्प्रेशन ऑफ गैसेस, और उसी के आधार पे स्लोप ऑफ एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल कर्व, ये हमने आपको बताया जो पीछे के वीडियो में बताया। तो जो भी चीज़ें हमने पीछे बताई हैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकली प्रॉब्लम और कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम आपको आज इस वीडियो में बताते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे, सारी चीज़ों को जो उसके डेरिवेशंस हैं, जो फार्मूले हैं, वो हमने पीछे आपको पढ़ा दिए हैं। उन्हीं पीछे जो चीज़ें हमने बताई हैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आज हम आपको उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसे हमने पीछे आपको पहले ही वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, जो हमने वर्क डन का फार्मूला आपको वर्क ट्रांसफ़र एंड हीट ट्रांसफ़र जब आपको बता रहे थे पहले पीछे वीडियो में, तो हमने आपको उसमें बताया था वर्क डन जब हमने आपको फाइंड कराया था, तो उसमें हमको मिला था वर्क डन फॉर ए पीवी डायग्राम के लिए, हमने बताया था कि द वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी डायग्राम या एरिया इनक्लोज बाय पीवी ग्राफ या पीवी डायग्राम के द्वारा, जो भी एरिया इनक्लोज होगी वो एरिया हमारी वर्क डन कही जाती है। इसके आधार पे हमने वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, ये सारी प्रोसेसेस में हमने आपको वर्क डन कैसे फाइंड किया जाएगा और उसका फार्मूला क्या होगा, कैसे हम प्राप्त करेंगे, हमने एरिया अंडर पीवी डायग्राम के अकॉर्डिंगली भी और फार्मूला भी हमने निकाल के आपको दिखाया था। जैसे हम वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस, हमको पता है वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस, हम वर्क डन इज इक्वल टू होता है आइसोबैरिक प्रोसेस जब कंसीडर करते हैं तो प्रेशर इनटू होता है पी डी वी के, या वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस हम जानते हैं वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस में जीरो होता है, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड नहीं होगा, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड नहीं होगा, वर्क डन हमको फाइंड नहीं होता। तो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस भी हमने आपको बताया है, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस भी हमने आपको बताया कि वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस में हम कैसे वर्क डन ज्ञात करते हैं, वर्क डन की वैल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू हम जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन हमको पता है पी वन वी वन वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस सिंपली, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे ये एडियाबैटिक प्रोसेस में पूछ रहा है, क्वासी स्टैटिक एडियाबैटिक एक्सपेंशन कह रहे हैं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन हमको वर्क डन की वैल्यू को ज्ञात करना, इसको प्रूफ करना है, तो हमको एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन को जानना जरूरी है। वर्क डन हमने आपको एडियाबैटिक प्रोसेस में निकलवाया है डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपान गामा माइनस वन, ऐसा भी हम जानते हैं, या इसी को हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ कंसीडर करें पी वी इज इक्वल टू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू वी टू अपान गामा माइनस वन, ऐसा भी हम जानते हैं, और हम जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जानते हैं एडियाबैटिक इक्वेशन होता है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में पी वी के पावर गामा इज इक्वल टू होता है कॉन्स्टेंट के, दैट मीन्स अगर हम प्रेशर को पी वन माने, वॉल्यूम को वी वन माने, पी वन वी वन के पावर गामा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉन्स्टेंट के, इसी प्रकार से हम पी टू वी टू अगर कंसीडर करें पी टू वी टू के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, यानी हम कह सकते हैं कि पी वी के का जो मल्टीप्लीकेशन होगा पी वी के पावर गामा की वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट होगी, यानी पी वन वी वन पी टू वी टू ये सब आपस में क्या होंगे इक्वी होंगे, दैट इज इसी के आधार पे हम यहां कंसीडर करके मानते हैं पी वन वी वन के पावर गामा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी टू वी टू के पावर गामा, इस प्रकार से भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपान गामा माइनस वन है, या हम जैसे जनरली जानते हैं पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है, या यहां से अगर इसको ओपन करें तो हम कह सकते हैं पी वन वी वन, यहां पी वी को अगर ओपन करें तो पी वन वी वन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी टू वी टू, या पी वन वी वन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर टी वन के, पी टू वी टू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर टी टू के, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, या यहाँ से इम्प्लाइज दैट पी वन वी वन इज इक्वल टू हम कह सकते हैं पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, या पी वन वी वन इज इक्वल टू हम आर टी वन, या पी टू वी टू इज इक्वल टू आर टी टू लिख सकते हैं, यहाँ रखेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू यही वैल्यू हमारी आ जाएगी आर टी वन माइनस आर टी टू अपान गामा माइनस वन होगी, या डब्ल्यू इज इक्वल टू हम आर कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी टी वन माइनस
टी टू अपान गामा माइनस वन ऐसा भी करके हम लिख सकते हैं। पी वन माइनस यहाँ से हो जाएगा फिर आर इंटू हो जाएगा आर टी अपान, यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी आर इंटू टी वन माइनस टी टू अपान गामा माइनस वन ऐसा भी हमको प्राप्त हो सकता है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है एडियाबेटिक प्रोसेस में हम जानते हैं पी वन वी वन के पावर गामा इजिकल टू कॉन्स्टेंट होता है, पी टू वी टू के पावर गामा इजिकल टू कॉन्स्टेंट होता है। इस प्रकार से हम इसको ओपन करते हैं तो वैल्यू हम सारी वैल्यूज निकालते हैं तो हमको वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस में मिलता है डब्ल्यू इजिकल टू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू बाई गामा माइनस वन, या कहीं कहीं आप देखते हैं वर्क डन पी ओमेगा इजिकल टू वर्क डन डब्ल्यू इजिकल टू हमको मिलता है पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपान वन माइनस गामा भी मिलता है, ठीक है। या हम यहाँ से जानते हैं सिंपली पी वन वी वन पी वी इजिकल टू आर टी होता है, तो पी वन वी वन इजिकल टू हम मान लेते हैं कि जब उसका प्रेशर पी वन होता है वॉल्यूम वी वन होता है, टेम्परेचर टी वन पे उसका प्रेशर पी वन और वॉल्यूम वी वन होता है इनिशियल प्रेशर, टेम्परेचर को बदल देते हैं टी टू हो जाता है तो उसका प्रेशर टी टू हो जाता है वॉल्यूम वी टू हो जाता है। तो जो हमारा यहाँ से पी वन वी वन इजिकल टू आर टी वन हो जाएगा पी टू वी टू के साथ हम आर टी टू लिख सकते हैं, उठा के यहाँ रख देंगे तो आर टी वन माइनस आर टी टू अपान हो जाएगा गामा माइनस वन, आर कॉमन कर लेंगे टी वन माइनस टी टू अपान गामा माइनस वन हो जाएगा। यानी ये फार्मूला हमारा इस प्रकार से भी चेंज हो सकता है, ठीक ना। यानी डब्ल्यू इजिकल टू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपान गामा माइनस वन ऐसा भी हम लिख सकते हैं, या डब्ल्यू इजिकल टू आर टी वन माइनस टी टू अपान गामा माइनस वन ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसी फार्मूले से। तो यहाँ क्वेश्चन पहले हम देखते हैं कि क्या हमको प्रूफ करना है, फिर हम आसानी से उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द वर्क डन बाय ए परफेक्ट गैस ड्यूरिंग ए क्वासी स्टैटिक एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज गिवन बाय। प्रूव दैट यानी हमको सिद्ध करना है, कह रहा है कि प्रूव दैट यानी सिद्ध कीजिए कि द वर्क डन बाय ए परफेक्ट गैस ड्यूरिंग ए क्वासी स्टैटिक एडियाबेटिक एक्सपेंशन। क्वासी स्टैटिक एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन का मतलब है कि एडियाबेटिक चेंज यानी कि वो उस प्रोसेस में हमको यहाँ वर्क डन फाइंड करना है जहाँ पे हम कौन सा प्रोसेस लेते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस कंसीडर करते हैं। यानी एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है यानी ए प्रोसेस इन विच देयर आर नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस, या आप कह सकते हैं ए प्रोसेस इन विच हीट कंटेंट इज कॉन्स्टेंट, या ए प्रोसेस इन विच देयर आर नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन इन टू आर आउट ऑफ सिस्टम भी कह सकते हैं, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी कहने का मतलब जहां पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी प्रकार के हीट को हम एक्सचेंज नहीं करते हैं वो प्रोसेस हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो हमको कह रहा है कि प्रूव दैट द वर्क डन बाय ए परफेक्ट गैस यानी एक आदर्श गैस के द्वारा, एक परफेक्ट गैस के द्वारा कार्य किया जाता है किसमें, ड्यूरिंग ए क्वासी स्टैटिक एडियाबेटिक एक्सपेंशन। यानी एडियाबेटिक एक्सपेंशन में, यानी एडियाबेटिक कहने का मतलब है एक प्रकार से हम कह सकते हैं रुद्धोष्म प्रसार में हमको परफेक्ट गैस के द्वारा एक कार्य किया जाता है। तो आप सिद्ध कीजिए कि परफेक्ट गैस के द्वारा एडियाबेटिक एक्सपेंशन में जो वर्कडन होता है उसकी वैल्यू होती है पी आई बी आई अपान गामा माइनस वन इंटू वन माइनस पी एफ अपान पी आई के पावर गामा माइनस वन अपान गामा के, ठीक। हमको ये सिद्ध करना है, यानी ये सिद्ध करना है कि एक परफेक्ट गैस है जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्वासी स्टैटिक एडियाबेटिक एक्सपेंशन को फॉलो करती है, और उसका वर्क डन हमको सिद्ध करना है कि पी आई अपान वी आई पी आई इंटू वी आई अपान गामा माइनस वन इंटू वन माइनस पी एफ अपान पी आई के पावर गामा माइनस वन अपान गामा के बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि वर्क डन हमको किसका निकालना है, परफेक्ट गैस का। वर्क डन किसका फाइंड करना है, वर्क डन किसका सिद्ध करना है, परफेक्ट गैस का। किसमें, ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम परफेक्ट गैस को एडियाबेटिक एक्सपेंशन में, परफेक्ट गैस का हम वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन बाय ए परफेक्ट गैस ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस हम जानते हैं, हमने पीछे आपको बताया भी है वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर ए परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस के लिए एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है ये हमने आपको बताया है। हम उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, और उस फार्मूले के यूज के द्वारा हम ये इक्वेशन हम जो को हमको फाइंड करना है ये हम आसानी से इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, द वर्क डन by perfect gas during adiabatic expansion या adiabatic process ऐसा हम कह सकते हैं, during adiabatic expansion
हम जानते हैं वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू होता है पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपान गामा माइनस वन के। तो यहाँ क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, क्वेश्चन में पी वन वी वन क्या है, पी वन इज द इनिशियल प्रेशर एंड वी वन इज द इनिशियल वॉल्यूम एंड पी टू इज द फाइनल प्रेशर एंड वी टू इज द फाइनल वॉल्यूम। ठीक, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पी वन वी वन न लेके वॉल्यूम जो प्रेशर लिया है वो पी आई यानी इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम या पी एफ का मतलब है फाइनल प्रेशर। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि आप पी वन वी वन जहाँ हैं उसके स्थान पर हमको क्वेश्चन में दिख रहा है पी आई वी आई, तो हम यहाँ लिख लेंगे हियर हियर पी वन वी वन इज इक्वल टू पी आई वी आई एंड पी टू वी टू इज इक्वल टू पी एफ वी एफ। यहाँ पी आई वी आई दिया गया इसलिए हम पी वन वी वन को पी आई वी आई कह सकते हैं या पी टू वी टू को हम पी एफ वी एफ कंसिडर कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम लिखेंगे देन देन डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी वन वी वन है, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वन वी वन है तो पी वन वी वन को हमने क्या मान लिया है पी आई वी आई हो जाएगा, पी आई वी आई माइनस हो जाएगा पी एफ वी एफ अपान गामा माइनस वन। इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू हो जाएगा पी आई बी आई अपान गामा माइनस वन, कॉमन कर लेंगे पी आई बी आई अपान गामा माइनस वन, ये हमको प्रूफ करना है इसलिए इतना हम कॉमन कर लेते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट में हमारा बच गया वन माइनस पी एफ वी एफ अपान पी आई बी आई। ठीक, यही बचा, या इम्प्लाइज दैट यहाँ से आप कर सकते हैं W इज इक्वल टू हो जाएगा पी आई वी आई अपान गामा माइनस वन इन टू, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा वन माइनस हो जाएगा पी एफ, इसको लिख सकते हैं पी एफ अपान पी आई इन टू, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको वी एफ अलग अलग करके लिख लेंगे वी एफ अपान वी आई, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट हो जाएगा W इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए पी आई अपान वी आई अपान गामा माइनस वन, ये हो जाएगा पी आई अपान पी आई इंटू वी आई अपान गामा माइनस वन हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा वन माइनस पी एफ अपान पी आई इंटू वी एफ अपान वी आई के। ठीक है, अब यहाँ इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर वन, इसको हम इक्वेशन नंबर वन कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ इतनी वैल्यू आ गई। इसके बाद हम बट फ्रॉम हम जानते हैं फ्रॉम पॉइसन इक्वेशन, यहाँ इसकी वैल्यू निकाल के रख देंगे, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। देखिए बट फ्रॉम पॉइसन इक्वेशन पॉइसन इक्वेशन फ्रॉम पॉइसन इक्वेशन वी हैव, पॉइसन इक्वेशन का यूज करेंगे, पॉइसन इक्वेशन हम जानते क्या होता है पी वी के पावर गामा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट के, पी वी के पावर गामा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट के। इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट इसके आधार पे हम लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं पी आई वी आई के पावर गामा इज इक्वल टू हो जाएगा पी एफ वी एफ के पावर गामा इज इक्वल टू डैश 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 यानी कांस्टेंट होगा, या सिंपली यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं आप, इम्प्लाइज दैट हम यहाँ से कर सकते हैं, इसको इधर कर देंगे, इम्प्लाइज दैट यहाँ से आ जाएगा पी आई अपान पी एफ इधर आ जाएगा या इज इक्वल टू हो जाएगा वी एफ अपान वी आई, दोनों के पावर हो जाएगा गामा के। ठीक ना, वी एफ अपान वी आई हो जाएगा या इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा इसके आधार पे। देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया, हम जानते हैं पॉइसन इक्वेशन से हम जानते हैं पी बी के पावर गामा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट के, पी बी के पावर गामा इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा तो हम इसको लिख सकते हैं पी बी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी पी आई वी आई के पावर गामा इज इक्वल टू पी एफ वी एफ के पावर गामा, इस प्रकार से आगे भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से पी एफ को इधर करेंगे पी आई अपान पी एफ हो गया इज इक्वल टू हो जाएगा वी एफ अपान वी आई, दोनों के पावर गामा है तो ब्रैकेट लगा के गामा लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमको यहाँ वी एफ अपान वी आई है वैल्यू चाहिए, तो वी एफ अपान वी आई की वैल्यू हम यहाँ से ऑलरेडी निकाल सकते हैं, तो वी एफ अपान वी आई की वैल्यू निकालेंगे या यहाँ से कंसीडर कर लेंगे आप, तो वैल्यू आ जाएगी देखिए इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा इम्प्लाइज दैट पी एफ अपान पी आई इज इक्वल टू हो जाएगा
पी एफ अपान पी आई होगा, पी एफ अपान पी आई इक्वल टू हो जाएगा, तो इसके पावर माइनस गामा कर दें तो वी एफ अपान वी आई के बराबर होगा, या यहाँ से पी एफ अपान पी आई कर सकते हैं, या इम्प्लाइज दैट यहाँ से वैल्यू आ जाएगी वी एफ अपान वी आई है, वी एफ अपान वी आई इक्वल टू पी आई अपान पी एफ के पावर गामा हो जाएगा, या इसको पी एफ अपान पी आई करेंगे तो वन माइनस गामा माइनस वन अपान गामा हो जाएगा, तो वैल्यू ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको देखिए यहाँ से थोड़ा सा देख लेंगे, पी आई अपान पी एफ है इजिकल टू वी एफ अपान वी आई के पावर गामा है, गामा को इस साइड ले जाएंगे, इम्प्लाइज डेट आ जाएगा यहाँ से वी एफ अपान वी आई इजिकल टू हो जाएगा पी आई अपान पी एफ के पावर हो जाएगा वन अपान गामा के, या इजिकल टू इसी को हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम पी एफ अपान पी आई करें तो पी एफ अपान पी आई इजिकल टू हो जाएगा माइनस वन अपान गामा के, ठीक। Hence, putting this value in equation 1, equation 1 में हम value को रख सकते हैं, equation 2 इसको consider कर लीजिए, या इसको equation 2 मान लेते हैं, equation number 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ लिख सकते हैं putting this value in equation 1 we get, equation 1 में रख देंगे, इक्वेशन वन इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी आई वी आई अपान गामा माइनस वन, ब्रैकेट में आ जाएगा वन माइनस पी एफ अपान पी आई है, ठीक ना, वी एफ अपान वी आई की वैल्यू क्या है, क्या हो जाएगा पी एफ अपान पी आई इंटू हो जाएगा वी एफ अपान वी आई के स्थान पर रखेंगे पी एफ अपान हो जाएगा पी आई के पावर माइनस वन अपान गामा के, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, या इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू आ जाएगा पी आई वी आई अपान गामा माइनस वन हो जाएगा इंटू आ जाएगा वन माइनस, अब यहाँ देखिए पी एफ अपान पी आई है, पी एफ अपान पी आई है, दोनों के बेस आपस में बराबर हैं तो घातांक आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी इन पी एफ अपान पी आई, ब्रैकेट में हो जाएगा, जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप तो पावर्स क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे, हो जाएगी वैल्यू वन माइनस वन अपान गामा, वन माइनस वन अपान गामा हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी आई वी आई अपान गामा माइनस वन इंटू हो जाएगा वन माइनस, यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा वन माइनस पी एफ अपान पी आई हो जाएगा कि पावर हो जाएगा गामा माइनस वन अपान गामा, यही हमको प्रूफ करना था। देखिए पी आई अपान वी आई अपान गामा माइनस वन है इज इक्वल इंटू हो जाएगा वन माइनस पी एफ अपान पी आई की पावर गामा माइनस वन अपान गामा, ये हमको प्रूफ करना था, यही वैल्यू हमको ले आनी थी, ये हो गया हमारा पहला, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, एक बार फिर से देख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द वर्क डन बाई ए परफेक्ट गैस ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यानी रुद्धोष्म प्रसार में किसी गैस के द्वारा किया गया कार्य, सिद्ध कीजिए कि W इज इक्वल टू पी आई वी आई अपान गामा माइनस वन इंटू वन माइनस पी एफ अपान पी आई के पावर गामा माइनस वन अपान गामा के बराबर होता है, ऐसा हमको सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। तो ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस कह रहा है, तो सबसे पहले हम एडियाबैटिक प्रोसेस में परफेक्ट गैस के द्वारा किए गए कार्य की गणना करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फार्मूला जानते हैं, हमने लिखा वी नो दैट, हम जानते हैं कि द वर्क डन बाई परफेक्ट गैस ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वी नो दैट, हम जानते हैं कि द वर्क डन बाई परफेक्ट गैस ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन यानी परफेक्ट गैस के द्वारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन में यानी रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य, W इज इक्वल टू हम जानते हैं फार्मूला पी वन बी वन माइनस पी टू बी टू अपान गामा माइनस वन होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू आर अपान गामा माइनस वन इंटू टी वन माइनस टी टू भी लिख सकते हैं, आर टी वन माइनस आर टी टू अपान गामा माइनस वन भी लिख सकते हैं, तो जनरली यहाँ हमको इसकी आवश्यकता है, इसलिए हम पी वन बी वन माइनस पी टू बी टू अपान गामा माइनस वन कंसिडर करते हैं। हियर हमने मान लिया कि यहाँ पी वन बी वन इसका इनिशियल प्रेशर और एंड वॉल्यूम होगा,
तो हम यहाँ के केस में हम देख रहे हैं PI VI दिया है, इसलिए हमने यहाँ लिख लिया हियर P1 V1 इज इक्वल टू PI VI एंड P2 V2 इज इक्वल टू PF VF। यहाँ जो इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम है PI VI है और फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम हमारा PF और VF है। तो इसके आधार पे हमने यहाँ कंसिडर कर लिया W इज इक्वल टू P1 V1 के स्थान पे PI VI कंसिडर कर लिया, P2 V2 के स्थान पे हमने PF VF कंसिडर कर लिया। तो ये फार्मूला हमारा इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, देन W इज इक्वल टू हो जाएगा PI VI माइनस PF VF अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए PI VI को हम इसमें से कॉमन करेंगे, PI VI अपन गामा माइनस 1 को हम बाहर निकालते हैं, कॉमन करते हैं, PI VI अपन गामा माइनस 1 हमारा कॉमन हो जाएगा, वैल्यू हमारी यहाँ बचेगी PI VI यहाँ से कॉमन हो जाएगा, वैल्यू बचेगी 1, और यहाँ से PI VI कॉमन करेंगे तो इसमें हम इसको PF VF को PI VI से डिवाइड कर देंगे। हम ये जानते हैं कि जैसे जिस वैल्यू में से हम कॉमन कर रहे हैं जिस वैल्यू को, अगर वो वैल्यू उसमें प्रयुक्त तो नहीं है तो हम क्या करते हैं, जिसको कॉमन कर रहे हैं उसका उससे हम उस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। जैसे PF VF में PI VI प्रयुक्त नहीं है तो PI VI को हम कॉमन कर रहे हैं तो हम PF VF में क्या करेंगे, PI VI से डिवाइड कर देंगे। तो 1 यहाँ हो जाएगा, PI VI कॉमन कर लेंगे यहाँ बचेगा 1, माइनस हो जाएगा PF VF अपॉन PI VI के। ठीक, अब यहाँ से कंसीडर करेंगे W इज इक्वल टू हो गया PI VI अपॉन गामा माइनस 1, 1 माइनस हो गया, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं हम PF अपॉन PI इंटू VF अपॉन VI, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। बट फ्रॉम पाइसन इक्वेशन भी है, पाइसन इक्वेशन के आधार पे हम जानते हैं प्रेशर वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन होता है इन द रेस्ट पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इक्विवेलेंट होता है। तो PV के पावर गामा इज इक्वल टू पाइसन इक्वेशन से हम जानते हैं PV के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, दैट मीन्स PI VI के पावर गामा की वैल्यू PF VF के पावर गामा के इक्विवेलेंट हो सकती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं PI VI के पावर गामा इज इक्वल टू PF VF के पावर गामा, या इंप्लाइज दैट PF को इधर ले जाएंगे तो PI अपन PF हो जाएगा, इज इक्वल टू VI को इधर ले जाएंगे VF अपन VI के पावर गामा, गामा को इस साइड ले जाएंगे तो वैल्यू हमको मिल जाएगी VF अपन VI हो जाएगा, VF अपन VI हो जाएगा, गामा इस साइड आएगा तो PI अपन PF के पावर 1 अपन गामा हो जाएगा, या PF को ऊपर ले जाएंगे इसको नीचे ले आएंगे तो वैल्यू इसकी 1 अपान करके हो जाएगी, यानी माइनस हो जाएगा PF अपन PI इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपान गामा के। पुटिंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हम VF अपन VI की वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में रखेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन नंबर 1 में VF अपन VI के स्थान वैल्यू रख देंगे, W इज इक्वल टू वैल्यू आ गए PI अपन VI, PI VI अपन गामा माइनस 1 इंटू हो जाएगा 1 माइनस PF अपन PI इंटू VF अपन VI के स्थान पे ये वैल्यू हम रखेंगे PF अपन PI के पावर माइनस 1 अपन गामा, PF अपन PI के पावर हो जाएगा माइनस 1 अपन गामा के, माइनस 1 अपन गामा हो जाएगा। अब यहाँ से हम कंसीडर करेंगे W इज इक्वल टू हो जाएगा PI VI अपन गामा माइनस 1 इंटू हो जाएगा 1 माइनस PF अपन PI इंटू PF अपन PI के पावर माइनस 1 अपन गामा है। तो हम जानते हैं कि जब बेस आपस में इक्वल है तो पावर आपस में क्या होंगे, जो उसके पावर होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस PF अपन PI हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में होगा तो पावर आपस में जुड़ेंगे, 1 प्लस माइनस गामा हो जाएगा तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे, 1 माइनस 1 अपन गामा हो गया, या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से गामा इसमें 1 माइनस 1 अपन गामा की वैल्यू लेंगे तो गामा माइनस 1 अपन गामा हो जाएगा, वैल्यू आ गई 1 माइनस PF अपन PI गामा माइनस 1 अपन गामा PI अपन VI PI इंटू VI अपान गामा माइनस 1, W इज इक्वल टू आ जाएगा PI VI अपान गामा माइनस 1 इंटू 1 माइनस PF अपान PI के पावर गामा माइनस 1 बाई गामा के। तो इस प्रकार से हमको वर्क डन मिल जाता है ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस विच इज गिवेन बाई दिस, यानी जिसमें हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा था कि प्रूफ दैट द वर्क डन बाई ए परफेक्ट गैस ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू PI VI अपन गामा माइनस 1 इंटू 1 माइनस PF अपन PI के पावर गामा माइनस 1 अपन गामा, ये हम रिलेशन आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे रिलेशन को भी प्रूफ कर सकते हैं, दूसरे रिलेशन को प्रूफ करने के लिए हमको यही जैसे हमने आपको बताया कि ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस हम जानते हैं P1 V1 माइनस P2 V2 अपन गामा माइनस 1 होता है, यहीं पे हम क्या करेंगे P1 V1 PV इज इक्वल टू हम जानते हैं RT होता है, P1 V1 इज इक्वल टू हो जाएगा RT1 के, P2 V2 इज इक्वल टू हो जाएगा RT2 के, वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी RT1 माइनस RT2 अपन गामा माइनस 1, आर्ट कॉमन कर लेंगे आप T1 माइनस T2 अपन गामा माइनस 1, हियर T1 इज TI एंड T2 इज द TF, इसको यूज करके वैल्यू हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, देखेंगे आप आगे। ठीक है, दूसरा देखेंगे, दूसरा पार्ट हम कैसे करेंगे, दूसरे पार्ट में कह रहा है कि ड्यूरिंग
work done by a perfect gas during a quasi-static adiabatic expansion, W is equal to Cv into Ti minus Tf के equivalent होता है. इसको हमको प्रूफ करना है, देखिए कैसे करेंगे. यहाँ भी लिखेंगे we know that हम जानते हैं W is equal to होता है P1V1 minus P2V2 upon gamma minus 1 के. Since हम जानते हैं PV is equal to होता है RT के, implies that हम P1V1 करेंगे क्या हो जाएगा RT1 के, या P2V2 is equal to हो जाएगा RT2 के. Hence हम इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखें, हम लिख सकते हैं hence क्या हो जाएगा W is equal to होगा P1V1 के साथ हो जाएगा RT1 माइनस हो जाएगा RT2 अपान गामा माइनस 1 के. एडियाबेटिक प्रोसेस में हम वर्क डन जानते हैं P1V1 माइनस P2V2 बाई गामा माइनस 1 होता है. हम जानते हैं PV इज इक्वल टू होता है RT के, तो P1V1 इज इक्वल टू हो जाएगा RT1 के, P2V2 इज इक्वल टू हो जाएगा RT2 के. हेंस इसके आधार पर देखिए, जब PV इज इक्वल टू RT होगा T टेम्परेचर पे, तो हम जानते हैं कि जब प्रेशर इसका P से P1 होता है, वॉल्यूम V1 होता है, तो टेम्परेचर हम मान लेते हैं P1 है, तो P1V1 इज इक्वल टू हो जाएगा RT1 के. हम मानते हैं कि इसका प्रेशर P1 से बदल के P2V1 से बदल के वॉल्यूम इसका V2 हो जाता है जब टेम्परेचर इसका T2 होता है, तो P2V2 इज इक्वल टू हो जाएगा RT2 के. वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो वैल्यू हो जाएगा RT1 माइनस RT2 अपान गामा माइनस 1 के. W इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं, ये वर्क डन भी हमने पीछे आपको बताया है. W इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं RT1 माइनस RT2 अपान गामा माइनस 1, या इसी को लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू R कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी T1 माइनस T2 को. हम लिख सकते हैं यहाँ हो जाएगा T1 माइनस T2 अपान हो जाएगा गामा माइनस 1 के. ठीक है, W इज इक्वल टू आ जाएगा, W इज इक्वल टू वैल्यू हमको मिल जाएगी RT1 माइनस T2 अपान गामा माइनस 1. हियर हम यहाँ कंसीडर कर लें क्योंकि Ti और Tf दिया है, इसलिए T1 को हम मान लेंगे Ti एंड T2 इज इक्वल टू हम कंसीडर कर लेंगे Tf के. देन तब ये हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, देन W इज इक्वल टू हो जाएगा RTi माइनस Tf अपान गामा माइनस 1 हो जाएगा. RTi माइनस Tf अपान हो जाएगा गामा माइनस 1 के. इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1. आल्सो वी नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि आल्सो वी नो दैट, हम जानते हैं फ्रॉम मेयर्स लॉ आल्सो वी नो दैट फ्रॉम मेयर्स रिलेशन हम जानते हैं मेयर्स रिलेशन के आधार पे कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू होता है R के. Cp माइनस Cv इज इक्वल टू होता है R के. एंड और हम क्या जानते हैं, और हम जानते हैं गामा इज इक्वल टू होता है Cp बाई Cv के. गामा इज इक्वल टू होता है Cp बाई Cv के. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दस फ्रॉम इक्वेशन वन वी है. समीकरण नंबर 1 के आधार पे जब हम कंसीडर करेंगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा R हो गया, R के स्थान पे हम लिख सकते हैं इसको, R को हम लिख सकते हैं Cp माइनस Cv, R को हम लिख सकते हैं Cp माइनस Cv, ब्रैकेट में हो गया Ti माइनस Tf अपान हो जाएगा गामा माइनस 1 है, यानी Cp अपान Cv माइनस 1 के. या इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा, implies that W is equal to हो जाएगा, W is equal to हो गया Cp माइनस Cv, Cp माइनस Cv हो गया, ब्रैकेट में अप इंटू हो जाएगा Ti माइनस Tf अपान हो जाएगा Cp बाई Cv माइनस 1 है. जब इसको हल करेंगे यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे Cp बाई Cv में से 1 को, तो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ देखिए Cv का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, वैल्यू आ जाएगी Cp माइनस Cv अपान Cv के. या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा W इज इक्वल टू आ जाएगा Cp माइनस Cv इंटू हो जाएगा Ti माइनस Tf, ठीक है, इंटू Ti माइनस Tf हो जाएगा पूरे के बटे हो जाएगा यहाँ से अपान Cp माइनस Cv अपान हो जाएगा Cv के. Cp माइनस Cv से कैंसिल आउट हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी Cv ऊपर जाएगा, यहाँ वैल्यू आ जाएगी Cv इंटू Ti माइनस Tf के. ये हमको सेकेंड रिलेशन प्रूफ करना था, इस प्रकार से हम प्रूफ कर लेते हैं. ये हो गया हमारा प्रूफ.
ठीक इस प्रकार से रिलेशन को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, हमको प्रूफ करना था एडियाबेटिक प्रोसेस में फॉर ए परफेक्ट गैस उसके वर्गडन को प्रूफ करना था W इक्वल टू होता है सी बी इंटू टी आई माइनस टी एफ के। हमने माना, हम जानते हैं फार्मूला, हम जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन फॉर ए परफेक्ट गैस, परफेक्ट गैस के लिए एडियाबेटिक प्रोसेस में किया गया कार्य W इक्वल टू था P1V1 माइनस P2V2 अपान गामा माइनस 1। हम जानते हैं वर्क डन होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में परफेक्ट गैस के द्वारा किया गया कार्य होता है P1V1 माइनस P2V2 अपान गामा माइनस 1 के। ठीक, सिंस हम जानते हैं, सिंस चूंकि PV इक्वल टू होता है RT के, तो इसी प्रकार से जब हम प्रेशर P1 होगा, वॉल्यूम V1 होगा, तो टेम्परेचर हमारा T1 हो जाएगा RT1 के, या P2V2 इक्वल टू RT2 हम कंसीडर कर सकते हैं। इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ रख सकते हैं, इंप्लाइज दैट W इक्वल टू हो जाएगा P1V1 के स्थान पे RT1 हो गया, माइनस हो जाएगा P2V2 के स्थान पे RT2 अपान गामा माइनस 1 के। ठीक, R यहाँ कॉमन कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी T1 माइनस T2 अपान गामा माइनस 1। हियर हमको प्रूफ करना है, यहाँ हमको प्रूफ करना है TI माइनस TF, यानी कि T1 जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर है वो यहाँ क्या होगा, TI की इक्वेलेंट होगा, तो हमने यहाँ लिख लिया हियर T1 इज इक्वल टू TI एंड T2 इज इक्वल टू TF यानी फाइनल टेम्परेचर। देन W इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू T1 के स्थान पे TI हो जाएगा, T2 के स्थान पे TF हो जाएगा अपान गामा माइनस 1। ऑल्सो वी नो दैट फ्रॉम मेयर्स रिलेशन, मेयर के संबंध से हम जानते हैं, मेयर्स के फार्मूले से हम जानते हैं CP माइनस CB इज इक्वल टू होता है R के, और हम जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट रेशियो ऑफ गैसेस इज इक्वल टू होता है गामा के इक्विवेलेंट होता है, तो गामा इज इक्वल टू CP बाई CB होता है। तो हम ये वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, दस फ्रॉम इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखेंगे, W इज इक्वल टू हो जाएगा R के स्थान पर रख देंगे CP माइनस CB हो गया, TI माइनस TF हो गया अपन गामा माइनस 1, यानी CP माइनस CP बाई CB गामा के स्थान पर रखेंगे CP बाई CB माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा W इज इक्वल टू आ जाएगा CP माइनस CB इंटू TI माइनस TF अपान हो जाएगा, जब इसका इसको सब्सक्राइब करेंगे, जब इसको घटाएंगे तो CP बाई CB माइनस 1 की वैल्यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे CP माइनस CB हो जाएगा अपान हो जाएगा CB के। ठीक, CP माइनस CB एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपान CB है, CB ऊपर जाएगा, CB इंटू TI बाई TI माइनस TF बचेगा, W इज इक्वल टू CB ऊपर चला जाएगा CB इंटू TI माइनस TF ये बच जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था कि द वर्क डन, हमको प्रूफ करना था वर्क डन फॉर ए परफेक्ट गैस ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन W इक्वल टू CB इंटू TI माइनस TF होता है, तो हमने यहाँ सिद्ध कर दिया W इक्वल टू CB इंटू TI माइनस TF होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में किसी भी परफेक्ट गैस के द्वारा किया गया कार्य। ठीक, हमने दोनों फार्मूले, जो दोनों इक्वेशन हमको सिद्ध करने थे, हमने आसानी से सिद्ध कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं क्लियर होगा तो वीडियो को आप पीछे करके आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एट 27 डिग्री सी टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम गिवेन R इज इक्वल टू दिया गया 8.3 जूल पर डिग्री इनटू मोल। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन यानी हमको कार्य प्राप्त करना है, कैलकुलेट द वर्क डन यानी कार्य की गणना करिए व्हेन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, यानी जब एक गैस के 1 ग्राम मॉलिक्यूल एक्सपेंड यानी प्रसारित होता है आइसोथर्मली यानी समतापीय प्रक्रम में, गैस का 1 ग्राम मॉलिक्यूल प्रसारित होता है एट 27 डिग्री सी, यानी कि जो गैस का टेम्परेचर है उसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स्ड कर दिया गया है। ठीक ना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का 1 ग्राम मॉलिक्यूल प्रसारित होता है, एक्सपैंड होता है टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम यानी अपने प्रारंभिक वॉल्यूम का डबल। अगर उसका हम प्रारंभिक वॉल्यूम कंसिडर करें कि V1 है, तो वो 27 डिग्री सी पे एक्सपैंड करता है और उसका वॉल्यूम क्या होता है, कितना प्रसारित होता है, अपने ओरिजिनल वॉल्यूम का 2 गुना। यानी यदि उसका हम ओरिजिनल वॉल्यूम यानी प्रारंभिक वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम अगर हम कंसीडर करें कि भी है, तो वो भी से 2B यानी कि उसका जो फाइनल वॉल्यूम होता है वो 2B तक प्रसारित होता है। कहने का मतलब है कि इनिशियल वॉल्यूम उसका अगर भी हम कंसीडर करें तो वो अपने वॉल्यूम का 2 गुना प्रसारित होता है आइसोथर्मली यानी समतापीय प्रक्रम में
प्रसारित होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो प्रसारित होता है अपने वॉल्यूम के दो गुने के बराबर, यानी यदि उसका वॉल्यूम भी है तो वो 2V तक प्रसारित होता है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वैल्यू हमको दी गई है गिवेन R इज इक्वल टू गैसेस कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमको दी गई है 8.3 जूल पर डिग्री इंटू मोल, पर डिग्री इंटू मोल ये हमको वैल्यू आर की दी गई है, कैपिटल आर की वैल्यू हमको दी गई है। हमको पूछ रहा है कि वर्कडन फाइंड करिए कब, कैलकुलेट द वर्कडन व्हेन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, यानी जब गैस का 1 ग्राम मॉलिक्यूल प्रसारित होता है आइसोथर्मली यानी समतापीय प्रक्रम में प्रसारित होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने प्रारंभिक वॉल्यूम के दो गुने के बराबर, तब गैस के द्वारा किए गए कार्य की गणना हमको करनी है। यानी गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ताप पे समतापीय प्रक्रम में, यानी जब गैस के ताप को 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स्ड कर दिया जाता है, तब गैस समतापी आइसोथर्मली एक्सपेंड करता है, गैस का 1 ग्राम मॉलिक्यूल एक्सपेंड करता है, तो उस एक्सपेंड करता है और अपने प्रारंभिक वॉल्यूम के दो गुने के बराबर, यानी एक्सपेंड करता है प्रसारित होता है अपने प्रारंभिक वॉल्यूम के दो गुने के बराबर, समझ रहे हैं ना, यानी कि भी अगर उसका वॉल्यूम है तो 2V तक प्रसारित होता है। तो गैस के द्वारा किए गए कार्य की गणना करिए, यानी जब गैस समतापीय प्रक्रम में प्रसारित हो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे और अपने प्रारंभिक वॉल्यूम के दो गुने के बराबर प्रसारित हो, तो उस गैस के द्वारा किए गए कार्य की गणना हमको करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि हमको वर्क डन फाइंड करना है, कब आइसोथर्मली फाइंड करना है, यानी आइसोथर्मली फाइंड करना है कि जब गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड होती हो, यानी वर्क डन हमको फाइंड करना है आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम वर्क डन का फार्मूला जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, उसको हम लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई है और कौन सी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्वेश्चन में वैल्यू जो दी गई उसको हम रखेंगे और आसानी से आंसर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहां सबसे पहले तो दिखाई दे रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन ऑफ गैस When gas is expanding isothermally, जब गैस isothermally expand करती हो तब हमको work done ज्ञात करना है, यानी सबसे पहले हमको work done find करना है isothermal process में। तो हम isothermal process में work done का formula क्या होता है हम उसको जानते हैं, ठीक ना, उसको लिखते हैं। क्या हम लिखेंगे, We know that, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, We know that the work done We know that the work done of a perfect gas during isothermal process is. We know that, हम जानते हैं कि the work done of a perfect gas during isothermal process ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू होता है, W इज इक्वल टू होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम जानते हैं आर टी होता है लॉग V1 होता है, या इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी लॉग बेस E को अगर हम 10 बनाना चाहते हैं, बेस E को अगर हम 10 बनाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बेस E को अगर हम 10 बनाएं तो इसके बेस को चेंज करने के लिए हम जानते हैं 2.303 का गुणा कर देते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 से कर सकते हैं, तो 2.303 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू हो जाएगा आर टी लॉग 10 V2 अपान V1 के, ठीक ना, आर टी लॉग V2 अपान V1 के। अब यहाँ जो वैल्यूज दी गई हैं क्वेश्चन में उसको हम लिख देते हैं, ये फार्मूला हमको मिल गया लॉग V2 बाई V1 के, ठीक ना, बेस 10 हो गया, ठीक। हियर गिवेन दैट, जो वैल्यूज यहाँ दी गई हैं उसको हम लेंगे। सबसे पहले सिंपली हमको कैसे पता चला कि यही फार्मूला लगाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमको वर्क डन फाइंड करना है जब 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ गैस एक्सपैंड होती है आइसोथर्मली, यानी कि हमको वर्क डन फाइंड करना है किस प्रोसेस में, जब गैस आइसोथर्मली एक्सपैंड होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस में होती है,
तब आइसोथर्मल प्रोसेस में जब गैस एक्सपेंड करती है तो उस समय हमको वर्क डन ज्ञात करना है। तो वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस हम निकाल लेंगे, जो फार्मूला हमको मिलता है उस फार्मूले के आधार पे हमको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक ना। तो हमने यहाँ लिखा, वी नो दैट द वर्क डन ऑफ ए परफेक्ट गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस इज डब्ल्यू इक्वल टू, हम जानते हैं फार्मूला डब्ल्यू इक्वल टू होता है आरटी लॉग वी टू बाई वी वन के, या हम इसके बेस को E से बदल के अगर 10 करना चाहते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.303 हो जाएगा, RT log 10 V2 by V1 हो जाएगा। Here given that, यहाँ दिया गया है, हम जानते हैं क्या दिया गया है, T की वैल्यू दी गई है। Here given that T is equal to 27 degree C दिया गया है, या इसको हम केल्विन में बदलेंगे तो 27 हो जाएगा प्लस 273 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन बदलने के लिए हम 273 ऐड कर देते हैं, वैल्यू हो जाएगी 300 केल्विन, ठीक है। ये हो गया, अब हमको V2 और V1 की वैल्यू चाहिए। R की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, R इज इक्वल टू हमको दिया गया है 8.3 जूल पर डिग्री इनटू मोल, ये हमको पता है। V2 V1 की वैल्यू है, V1 की वैल्यू हम मानेंगे V, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि व्हेन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली एट 27 डिग्री से टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल यानी अपने इनिशियल वॉल्यूम का डबल यानी दोगुना एक्सपेंड करता है, दोगुना प्रसारित होता है। अगर उसका ओरिजिनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम अगर भी है तो दोगुना प्रसारित होता है यानी 2V तक प्रसारित होता है, यानी V1 की वैल्यू हम मान लेते हैं भी है एंड V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2V के, ठीक। देन उठा के यहाँ रख देंगे वैल्यू, हैंस द वर्क डन by gas during when expanding isothermally जब expand करती हो तो W is equal to हो जाएगा RT, हो गया RT value रख देते हैं directly। R की वैल्यू हमको दी गई है 8.3 इंटू, T की वैल्यू है 300 इंटू लॉग V2 बाई V1 है, और एक चीज़ भूल रहे हैं हम, 2.303 से भी मल्टीप्लाई हमने किया हुआ है, क्या हो जाएगा 2.303 इंटू हो जाएगा R यानी 8.3 इंटू T यानी 300 लॉग 10 हो गया V2 by V1, V2 की वैल्यू है 2V अपॉन V1 की वैल्यू है V, V से कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू आ जाएगा, W इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 2.303 इंटू 8.3 इंटू 300 इंटू हो जाएगा log 10 टू द log 2 टू द बेस 10, और log 2 की वैल्यू हम जानते हैं बेस 10 पे 2.303 इंटू हो जाएगा 8.3 इंटू 300 इंटू लॉग 10 2 टू द बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010, मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक ना, मल्टीप्लाई कर देंगे आपको आंसर फाइंड हो जाएगा, ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू आपको मिल जाएगी 1726.075, या इसी को आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 1726.075, या इसको हम 0.08 भी ले सकते हैं, ठीक ना। ये हमको वर्क डन फाइंड हो जाएगा, इतना क्या आएगा जूल, JOULE, इतना जूल हमको वर्क डन फाइंड होगा, यानी जब कोई गैस का 1 ग्राम मालिक्यूल एक्सपैंड होगा अपने प्रारंभिक वॉल्यूम का दोगुना आइसोथर्मली, तो उसके द्वारा किया गया कार्य हमको क्या प्राप्त होगा, किया गया कार्य उसके द्वारा हमको 1726.08 जूल प्राप्त होगा, ठीक ना। इस प्रकार से आप वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, आइसोथर्मली है तो आइसोथर्मल का फार्मूला लगाएंगे और आसानी से वैल्यूज दी गई हैं इक्वेशन में, आप इसमें रखेंगे और आंसर आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्टेन मास ऑफ गैस एट 0 degree centigrade इज एक्सपेंडेड टू 3 times इट्स वॉल्यूम अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, कह रहा है कैलकुलेट द रिजल्टिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्वेश्चन पढ़ेंगे
और उसको जब एक बार समझ लेंगे आप कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, दिया क्या है और पूछ क्या रहा है, ठीक, तो आसानी से आपको पता चलेगा कि हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे और वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। सारे न्यूमेरिकली प्रॉब्लम के का जो तरीका होता है वो उसके क्वेश्चन में ही होता है। अगर हम क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन हमको आसानी से समझ में आ जाए तो हमको ये पता चल जाता है कि हमको इसमें क्या यूज करना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, क्या क्वेश्चन में वैल्यूज दी गई हैं, कहाँ कहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं, ये चीज़ें हमको आसानी से पता चल जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ए सर्टेन मास ऑफ गैस, यानी गैस है जिसका मास क्या है, सर्टेन का मतलब है कि निश्चित है, यानी कि फिक्स्ड है। ए सर्टेन मास ऑफ गैस, एक निश्चित द्रव्यमान की गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इज एक्सपेंडेड यानी प्रसारित होती है टू 3 times इट्स वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम का, यानी जो उसका वॉल्यूम है उसका 3 गुना। जैसे उसका वॉल्यूम, अगर इनिशियल वॉल्यूम उसका V है, टू 3 times इट्स वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम का 3 गुना, ठीक ना, जो उसका वॉल्यूम है उसका 3 गुना वो प्रसारित होती है अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन यानी रुद्धोष्म प्रक्रम, यानी एक निश्चित द्रव्यमान की गैस है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रसारित होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपैंड होती है, कितना, टू 3 times ऑफ इट्स वॉल्यूम, अपने आयतन का 3 गुना। अगर उसका आयतन भी है तो 3 गुना यानी 3V तक प्रसारित होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, यानी रुद्धोष्म प्रक्रम में, एडियाबैटिक प्रोसेस में, ठीक। कैलकुलेट द रिजल्टिंग टेम्परेचर, यानी जब गैस हमारी एक्सपैंड हो जाती है यानी कि V से 3V पर पहुंच जाती है, तो रिजल्टेंट टेम्परेचर जो उसका परिणामी यानी फाइनल टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की गणना हमको करनी है। बात समझ में आ रही है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपैंड होती है, यानी उसका इनिशियल टेम्परेचर जो हमारा है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पे एक्सपैंड करती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और अपने वॉल्यूम के 3 गुना तक प्रसारित होती है, अगर उसका वॉल्यूम भी है वो 3V तक प्रसारित होती है, वॉल्यूम का 3 गुना वो प्रसारित होती है, 3V तक प्रसारित होती है एडियाबैटिक कंडीशन में। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द रिजल्टिंग टेम्परेचर, तो जब वो 3 गुना बढ़ जाती है, उसका आयतन 3 गुना बढ़ जाता है, तो उसका फाइनल टेम्परेचर क्या है वो हमको जानना है, ठीक। उसका रिजल्टिंग टेम्परेचर यानी इनिशियल टेम्परेचर तो हमको पता है जिसपे गैस हमारी एक्सपैंड होगी, फाइनल टेम्परेचर हमको रिजल्टिंग टेम्परेचर जानना है किसमें, अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन में, रुद्धोष्म प्रक्रम में हमको जानना है, रुद्धोष्म प्रोसेस में यानी एडियाबैटिक प्रोसेस में हमको फाइनल टेम्परेचर चाहिए एंड प्रेशर, और उसका फाइनल प्रेशर यानी उसका परिणामी प्रेशर, रिजल्टेंट प्रेशर हमको चाहिए और रिजल्टेंट टेम्परेचर हमको चाहिए, ठीक। तो हम आसानी से इसकी वैल्यू निकालेंगे, सिंपली जब क्वेश्चन आपको दिया रहे, जैसे हम यहाँ प्रेशर, इनिशियल प्रेशर हमको नहीं दिया है तो हम नॉर्मल प्रेशर लगाते हैं, यानी 1 atmosphere प्रेशर हम इसका कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन में हमको क्या ज्ञात करना है, रिजल्टेंट टेम्परेचर यानी फाइनल टेम्परेचर हमको ज्ञात करना है, इनिशियल टेम्परेचर हमको पता है, ठीक। तो क्वेश्चन देखेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस में ज्ञात करना है, इसलिए हम जानते हैं कि वी नो दैट द एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर ज्ञात करना है और वॉल्यूम हमको पता है, तो हम आसानी से एडियाबैटिक प्रोसेस में एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, अगर हम किसी भी आइडियल गैस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन का जो फार्मूला हमको पता है, उस फार्मूले के टेम्परेचर और वॉल्यूम के पदों में जो फार्मूला हमको पता है उसका इस्तेमाल करें, तो हम आसानी से उसका फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस हम जानते हैं, आइडियल गैस को जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सपेंड करते हैं, रुद्धोष्म प्रसार उसका करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस में आइडियल गैस को कंसीडर करते हैं, तो हमको फार्मूला प्राप्त होता है पी वी के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसको हम पायसन इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस इज आल्सो नोन एज पायसन इक्वेशन ऑफ
गैस यानी पैसन्स इक्वेशन के नाम से भी हम जानते हैं। तो पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमको प्राप्त होता है, तो हम इस रिलेशन को टेम्परेचर और वॉल्यूम के पदों में भी निकाल सकते हैं, और प्रेशर वॉल्यूम के पदों में ऑलरेडी हमको प्राप्ति होता है, और हम इसको टेम्परेचर प्रेशर के पदों में भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हमको फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस में पूछ रहा है, तो हम एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, एडियाबेटिक द इक्वेशन ऑफ गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस हम लगाएंगे, एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस का जो फार्मूला हमको पता है, जो रिलेशन हमको पता है, उसको हम लगाएंगे। तो इसमें हमको टेम्परेचर पूछ रहा है, इसलिए टेम्परेचर वॉल्यूम के पदों में जो हमको रिलेशन पता है, हम उसी रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमको फाइनल टेम्परेचर चाहिए, हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, आप लिखेंगे द एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम वी है। द एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम वी हैव, टेम्परेचर और वॉल्यूम के पदों में जो एडियाबेटिक इक्वेशन हमको पता है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम जानते हैं, टी वी के पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू होता है कॉन्स्टेंट के, ये हम जानते हैं। टी वी के पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, इम्प्लाइज दैट हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टी वन वी वन के पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू लिख सकते हैं T2 V2 के पावर गामा माइनस वन, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब T1 V1 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा T2 V2 का होगा, T3 V3 का होगा, ये आपस में इक्विवेलेंट होंगे, तभी TV की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है ना, तो TV के पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट के, इंप्लाइज दैट हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं T1 V1 के पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 के पावर गामा माइनस वन। हमको पूछ क्या रहा है, रिजल्टेंट टेम्परेचर पूछ रहा है, यानी T2 की वैल्यू पूछ रही है, T1 की वैल्यू ऑलरेडी हमको दी गई है। तो ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट T2 इज इक्वल टू हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू, जब वैल्यू आप निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी T1, T2 इज इक्वल टू निकालेंगे, T1 हो जाएगा V1 अपान V2 हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा गामा माइनस वन के, गामा माइनस वन यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इधर आएगा V1 अपान V2 के, V1 इधर, V2 इधर आएगा, V1 अपान V2 हो जाएगा, ये पावर गामा माइनस वन हो जाएगा। हियर गिवेन दैट, यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है देख लेंगे, T1 इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है 0°C यानी 273 केल्विन, 0 में 273 जोड़ेंगे 273 आएगा। ठीक, V1 की वैल्यू हम मान लेते हैं V है, तो V2 की वैल्यू फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ कह रहा है एक्सपेंड टू 3 times ऑफ इट्स वॉल्यूम, हम मान लेते हैं कि उसका वॉल्यूम V है, तो 3 times यानी 3 गुना होगा, तो V2 की वैल्यू क्या होगी, 3V होगी। ठीक ना, 3V होगी, उठा कर रख देंगे, इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 यानी 273 इंटू हो जाएगा V1 अपान V2, V1 की वैल्यू हो जाएगी V अपान 3V के पावर हो जाएगा गामा माइनस वन, और गामा की भी वैल्यू शायद यहाँ दी गई है, गामा इज इक्वल टू भी दिया गया है, गामा इज इक्वल टू दिया गया 1.4 के। ठीक, क्या हो जाएगा, गामा की वैल्यू आप रख देंगे 1.4 माइनस 1। ठीक, इम्प्लाइज दैट T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 273, ब्रैकेट में हो जाएगा भी से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1/3, 1.4 माइनस 1 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.4 के, इम्प्लाइज दैट T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 273 इंटू 1/3 के पावर 0.4 हो जाएगा, 0.4 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वैल्यू आएगी लगभग, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वैल्यू लगभग आएगी 176 केल्विन की। ठीक, 176 आएगी, 176 इसको हल करेंगे, जो वैल्यू आएगी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 176 केल्विन। 176 केल्विन को जब डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे, तो डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें से -273 घटा देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 273 जब घटाएंगे तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा -97 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये उसका फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जब गैस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एडियाबेटिकली एक्सपेंड करेगी, अपने प्रारंभिक आयतन का 3 गुना एक्सपेंड करेगी, तो उसका फाइनल टेम्परेचर जो होगा एक्सपेंशन के बाद जो उसका टेम्परेचर होगा 3 गुना वॉल्यूम पर जब एक्सपेंड कर जाएगी तो उसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो -97 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। सिंपली क्वेश्चन में कह रहा था फाइनल टेम्परेचर हमको चाहिए, एडियाबेटिक कंडीशन की बात कर रहा था, तो गैस का हम इक्वेशन निकालेंगे इन द एडियाबेटिक कंडीशन इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर के पदों में हम निकालेंगे तो इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम हम निकालेंगे। टेम्परेचर वॉल्यूम के पदों में हम जानते हैं टीवी के पावर γ-1 = होता है कॉन्स्टेंट के, या हम इसको लिख सकते हैं T1V1 के पावर γ-1 = T2V2 के पावर γ-1 के, या फाइनल टेम्परेचर हमको चाहिए रिजल्टेंट टेम्परेचर T2 = हो जाएगा, इसको इधर करेंगे T1 × V1/V2 के पावर γ-1। हियर गिवन दैट क्वेश्चन में ही दिया गया है T1 की वैल्यू दी गई है 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन हो जाएगा। V1 की वैल्यू ऑलरेडी कह रहा है उसका वॉल्यूम, यानी हम मान लेते हैं वॉल्यूम उसका भी है, एक्सपेंड करता है 3 गुना V2 = हो जाएगा 3V के, गामा की वैल्यू ऑलरेडी 1.4 दी गई, उठा के वैल्यू रख देंगे आंसर हमको मिल जाएगा T2 = हमको मिल जाएगा 176 केल्विन, या इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो 273 घटा देंगे वैल्यू आ जाएगी 97 - 97 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट फाइनल प्रेशर ज्ञात करने के लिए, तो फाइनल प्रेशर देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनल प्रेशर हमको ज्ञात करना है तो हम एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस कंसीडर करेंगे इन द टर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। हम जानते हैं यहाँ से हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं पीवी के पावर γ = होता है कॉन्स्टेंट के, पीवी के पावर γ = होता है कॉन्स्टेंट के, इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं T1V1 के पावर γ = हो जाएगा P2V2 के पावर γ के। फाइनल प्रेशर हमको चाहिए यानी हमको P2 की वैल्यू चाहिए, ठीक ना, P2 की वैल्यू चाहिए, P1V1 के पावर γ = P2V2 के पावर γ हो जाएगा, फाइनल प्रेशर चाहिए इसलिए P2 की वैल्यू चाहिए, P2 = हो जाएगा V2 के इधर ले आएंगे यानी हो जाएगा P1 into हो जाएगा V1/V2 के पावर γ, या यहाँ से हो जाएगा इम्प्लाइज दैट P2 = P1, यहाँ से वैल्यू रख देंगे हियर गिवेन दैट हमने आपको बताया कि जब प्रेशर की वैल्यू नहीं दी गई हो तो हम उसको नॉर्मल प्रेशर मानते हैं, यानी P1 = हम मान लेंगे वन एटमोसफियर कंसीडर कर लेंगे, और V1 की वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं V है, एंड V2 = दिया ही गया है 3V, और हम जानते हैं γ = है 1.4, हेंस वैल्यू आ जाएगी, हमको वैल्यू मिलेगी क्या, P2 = हो जाएगा P1 की वैल्यू रखेंगे यानी 1 × हो जाएगा V1/V2 यानी कि V/3V के पावर γ यानी 1.4, या इम्प्लाइज दैट P2 = हो जाएगा 1/3 के पावर हो जाएगा 1.4, या P2 = वैल्यू आ जाएगी 1/3 की पावर 1.4 करेंगे तो वैल्यू आएगी लगभग 0.215 एटमॉस्फियर में हमने लिया है तो एटमॉस्फियर, ठीक ना, इतना एटमॉस्फियर आ जाएगा, यही हमारा फाइनल प्रेशर हो जाएगा। इस प्रकार से आप फार्मूले के आधार पे वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए हम टेम्परेचर वॉल्यूम में एडियाबेटिक इक्वेशन कंसीडर करेंगे, फाइनल प्रेशर निकालने के लिए हम प्रेशर वॉल्यूम में एडियाबेटिक इक्वेशन कंसीडर करेंगे, और वैल्यू को आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ एन आइडियल गैस γ = 1.4 है, ब्रैकेट में दिया गया है। द आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज 2.0 × 10⁵ Nm²। कैलकुलेट इट्स एडियाबेटिक इलास्टिसिटी। आइडियल गैस की हमको आइसोथर्मल इलास्टिसिटी दी गई है 2.0 × 10⁵ Nm² है, तो हमको एडियाबेटिक इलास्टिसिटी के बारे में, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कल हमने आपको पिछले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको, इससे एक और वीडियो पहले हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और एडियाबेटिक इलास्टिसिटी के बारे में, उनके बीच में रिलेशन हमने पिछले वीडियो में बताया था। हमने बताया था कि द रेशियो ऑफ एडियाबेटिक इलास्टिसिटी एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, द रेशियो ऑफ एडियाबेटिक इलास्टिसिटी एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द स्पेसिफिक हीट रेशियो, या आर इज इक्वल टू द गामा, वैल्यू गामा के बराबर होती है, स्पेसिफिक हीट रेशियो के बराबर होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि
वी नो दैट, हम जानते हैं, हम जानते हैं एडियाबैटिक इलास्टिसिटी को हम E5 से डिनोट करते हैं और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को ET से डिनोट करते हैं या E थीटा से भी डिनोट करते हैं। ET इज इक्वल टू होगा CP/CV भी होता है, स्पेसिफिक हीट रेशियो के बराबर होता है, या इज इक्वल टू गामा के बराबर होता है। इम्प्लाइज दैट E5/ET इज इक्वल टू हो जाएगा गामा के। हियर गिवेन दैट, यहाँ दिया गया है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की वैल्यू दी गई है, यानी ET इज इक्वल टू हमको दिया गया है 2.0 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हमको दी गई है। गामा की वैल्यू ऑलरेडी दी गई 1.4। ठीक, हमको वैल्यू पूछ किसकी रहा है, E5 की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा इम्प्लाइज दैट E5 इज इक्वल टू हो जाएगा गामा इंटू ET के, या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा E5 इज इक्वल टू गामा की वैल्यू हो जाएगी 1.4 इंटू ET की वैल्यू हो जाएगी 2.0 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा E5 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वैल्यू हो जाएगी 2.8 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की। ये हो जाएगी हमारी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। ठीक ना, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी हमको दी गई है। हम जानते हैं कि द रेशियो ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, या इज इक्वल टू गामा के। ठीक ना, गामा के इक्विवेलेंट होता है E5/ET इज इक्वल टू हो जाएगा गामा के, या गामा और ET की वैल्यू हमको दी गई है, तो हम आसानी से E5 इज इक्वल टू ET को इधर कर देंगे, गामा इंटू ET हो जाएगा और गामा की वैल्यू हमको दी गई 1.4 और ET यानी कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की वैल्यू हमको दी गई 2.0 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2.8 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एडियाबेटिक इलास्टिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन।